हेलो गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रिपेयर रिप्लेस रिन्यूअल एंड रिनोवेशन वाला टॉपिक। देखो जी क्या कहता है, व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मेनी एक्सपेंसेस आर अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन नंबर 30-37। ओके, देखो क्या कहता है वो, इसको इस तरफ समझते हैं थोड़ा हम लोग। देखो कहता है कि जब भी आप पीजीपीपी के अंडर में बिजनेस करते हो, जब भी आप बिजनेस करते हो या प्रोफेशन करते हो, ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग, जब आप उसकी इनकम कैलकुलेट करते हो, किसकी, अपने बिजनेस या प्रोफेशन की, तो कहता है जो आपके बहुत सारे खर्चे होते हैं ना, उन खर्चों की हम लोग आपको क्या देते हैं, डिडक्शन देते हैं। उन खर्चों की आपको क्या देते हैं, डिडक्शन देते हैं। कौन से सेक्शन में, 30-37 तक। 10 मिनट होने दो, मुझे बोलने का मौका दो, आपको अपने आप समझ आएगा। अभी से जज मत करने लगना, समझ आएगा टॉपिक नहीं आएगा, बड़ा सिंपल टॉपिक है। तो देखो सेक्शन नंबर 30-37 तक आपको क्या मिलेगी, पीजीपीपी के अंडर में जो भी, अगर देखो अब हिंदी वाले जो दोस्त हैं ना वो भी सुन लो, जब भी आप बिजनेस के अंडर में इनकम कैलकुलेट करते हो तो आपको 30-37 तक बहुत सारी क्या मिलती है, डिडक्शंस मिलती है, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा हो गया डिडक्शन तो 80C से लेकर के 80U तक मिलती थी। हाँ वो भी डिडक्शंस होती हैं 80C से लेकर के 80U तक, लेकिन जब आप बिजनेस करते हो ना तो सेक्शन नंबर 30-37 तक भी आपको डिडक्शन मिलती हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या डिडक्शन होती हैं वो हम देखेंगे अभी, है ना। अब देखो क्या कहता है, सेक्शन नंबर 30-36 तक आर स्पेसिफिक सेक्शंस, स्पेसिफिक सेक्शन है, जबकि जो 37वां है वो आपका जनरल सेक्शन है। ये कुछ ऐसे ही है जैसे आप इनकम ऑफ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, यानी कि जो इनकम आपकी इन चार हेड में नहीं आई वो इनकम आप कहाँ लिख देते हो, अदर सोर्सेस में। वैसी जिन खर्चों की रिडक्शन आपको 30-36 के बीच में नहीं मिली, उन खर्चों की रिडक्शन आपको कहाँ मिल जाएगी, 37 में। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जनरल सेक्शन, और इन्हें क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक सेक्शन, यानी कि स्पेसिफिक पॉइंट से रिलेटेड बात करते हैं। जैसे अगर मैं 32 की बात करूँ, सेक्शन नंबर 32 की बात करूँ, तो 32 कहाँ आता है, 30-36 के बीच में। 32 बात करते हैं डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग, ठीक है। टी, कॉफ़ी, रबर, डेवलपमेंट, ये हमने पढ़ा था, ये भी आपका 30-36 के बीच में आता है। बिल्डिंग से रिलेटेड आप टैक्स वगैरह, रेंट वगैरह पे कर रहे हो, ये भी कहाँ आता है, 30 वाला ये पॉइंट है। तो यानी कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि 30-36 तक क्या हैं, स्पेसिफिक सेक्शंस हैं, ठीक है, जबकि जो 37वां है वो आपका क्या है, जनरल सेक्शन है। अच्छा मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये डिडक्शन में क्या बोल रहा हूँ। मान लो जैसे ये आपने यहाँ पर ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, यहाँ आपने इनकम लिख दी 2 लाख रुपए की, कितने की, 2 लाख रुपए की, और आपने इधर लिख दिया कि मैंने फैक्ट्री का रेंट पे किया है 1 लाख रुपए, तो मुझे बताओ आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आपको ये जो रेंट है इसकी आपको डिडक्शन मिल गई। आप बोलोगे नहीं समझ आ रहा, ये देखो 2 लाख रुपए आपने लिखे, इसमें से अगर मैं माइनस 1 लाख रुपए कर दूं तो आपको प्रॉफिट कितना बचेगा, 1 लाख रुपए। तो मैं कह सकता हूँ इस 1 लाख को आपने क्या करा, माइनस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिडक्ट कर देना, है ना, डिडक्ट कर देना। और डिडक्ट करने को आप क्या बोल दोगे, डिडक्शन बोल दोगे। तो अब आपको बात समझ आ गई कि क्या डिडक्शन बोल रहा हूँ मैं, कैसे डिडक्शन बोल रहा हूँ। तो 30-37 तक आप ऐसे खर्चे माइनस कर दो, जैसे रेंट आपने माइनस कर दिया, इंश्योरेंस का खर्चा माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर दिया। बात समझ रहे हो मेरी, फास्ट चलूंगा मैं थोड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो बात लिखी गई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी बात लिखी गई है, इसको मैं एक डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हूँ मैं, और ये रही मेरी बिल्डिंग, और ये है एक मेरी दूसरी बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को मैंने आपको दे दिया रेंट पर, किस पर दे दिया, रेंट पर। आप कौन हो, आप किराएदार हो। आप यहाँ क्या करते हो, आप यहाँ पर बिजनेस करते हो। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं भी बिजनेस करता हूँ, ठीक है। मेरे पास 2 बिल्डिंग थी, तो मैंने कहा 1 बिल्डिंग आप रखो यार, आप यहाँ पर बिजनेस करो और मुझे टाइम टू टाइम क्या पे करते रहना, रेंट पे करते रहना। मुझे बताओ जो टेनेंट है, जब ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा तो यहाँ पर इनकम लिखेगा और इधर क्या लिखेगा, रेंट लिखेगा। वैसे ही मैं जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इनकम लिखूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर रेंट लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, लॉजिकली बताओ। ये मेरी बिल्डिंग है, क्या मैं इस बिल्डिंग का रेंट पे कर रहा हूँ, द आंसर इज नो। क्या एक्चुअल खर्चों को माइनस करना चाहिए, नॉशनल खर्चों को माइनस करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही बोलने लग जाएंगे कि माइनस कर लो,
तो फिर ये तो कल को कुछ ही माइनस करने लगेगा ना, तो इसलिए बोला कि नॉशनल खर्चों को आप माइनस नहीं कर सकते। काल्पनिक खर्चों को क्यों माइनस कर रहे हो? क्या आप एक्चुअल में रेंट पे कर रहे हो अपनी बिल्डिंग का? नहीं। अरे मेरी बिल्डिंग के यार, मैं अपने को रेंट पे करूंगा क्या? द आंसर इज नो। तो वही बात वो कह रहा है कि आपको रेंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी, जबकि टेनेंट को रेंट की डिडक्शन मिल जाएगी, जबकि टेनेंट को रेंट की डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, अब दूसरा पॉइंट देखो, ये जो टेनेंट है, ये जो किराएदार है, इसने क्या कर रखा है, अपनी बिल्डिंग का, इस वाली बिल्डिंग का इंश्योरेंस पे करता है। वो क्या पे करता है? इंश्योरेंस पे करता है। मैं भी अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस पे करता हूँ। अच्छा, ये एज ए टेनेंट ही इंश्योरेंस करवा रखा है इसने, क्या इसको इंश्योरेंस की रिडक्शन मिलनी चाहिए? हाँ। क्या इसको, क्या मुझको इंश्योरेंस की रिडक्शन मिलनी चाहिए? हाँ। ठीक है, ये जो है टेनेंट जो है, ये सरकार को टैक्स जमा करता है बिल्डिंग के रिगार्डिंग। मैं भी सरकार को टैक्स जमा करता हूँ बिल्डिंग के रिगार्डिंग। क्या मुझे, क्या टेनेंट को डिडक्शन मिलनी चाहिए टैक्स की? हाँ। क्या मुझे मिलनी चाहिए? हाँ। तो आप बोलोगे कि यार, जब तुझे, जब मुझे आपका ये क्या था, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की रिडक्शन मिल रही है, टैक्स की रिडक्शन मिल रही है, तो फिर रेंट की रिडक्शन क्यों नहीं मिल रही? रेंट की रिडक्शन इसलिए मिल रही क्योंकि रेंट एक्चुअल में पे थोड़ी कर रहा हूँ, जबकि टैक्स तो मैं भी एक्चुअल में पे कर रहा हूँ, जबकि इंश्योरेंस तो मैं भी एक्चुअल में पे कर रहा हूँ। आप लोग समझ पाए मेरी बात को? हाँ। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखो। आप मान लेते हैं कि ये जो टेनेंट है, यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग का सीमेंट उखड़ने लग गया, तो इसने क्या करवा दिया, रिपेयर करवा दिया, और रिपेयर में इसके 40,000 रुपये का खर्चा आ गया। तो ये जो 40,000 का खर्चा किया, इसको माइनस करना चाहिए? हाँ। अच्छा, मेरी भी बिल्डिंग के अंदर पेंट उखड़ गया था, मैंने भी 40,000 रुपये का खर्चा करा, क्या मुझे मिलना चाहिए? क्या मैंने एक्चुअल में पे किया होगा 40,000 रुपये का खर्चा? हाँ। तो मुझे भी क्या मिलनी चाहिए? रिडक्शन मिलनी चाहिए। यही बात यहाँ पर उसने लिखी है। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या बोला था, इसने क्या करवाया, रिपेयर करवाया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिपेयर या रिकरिंग रिपेयर। जबकि इसको, ऐसे वाले रिपेयर को जो मैं करवा रहा हूँ, मैं मतलब बिल्डिंग का ओनर अगर रिपेयर करवाता है, तो उस केस में वो क्या बोलता है, करंट रिपेयर कहता है उसे। ठीक है, अभी देखेंगे हम आगे टर्मिनोलॉजीज, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो देखो क्या कहता है वो, एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर, रिपेयर के ऊपर खर्चा। देखो सेक्शन नंबर 30 सबसे पहले किसके रिगार्डिंग बात करता है। अब हमें सारे सेक्शन नहीं पढ़ने, सेक्शन नंबर 30 पढ़ना है, सेक्शन नंबर 31 पढ़ना है, सेक्शन नंबर 37 पढ़ना है, दैट्स इट। ठीक है, सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 31, सेक्शन नंबर 37। ठीक है, जल्दी करना है यार मुझे। अच्छा, ये देखो किसके रिगार्डिंग डिडक्शन है, अगर आप बिल्डिंग का, देखते रहे ना मेरा कर्जा किस तरफ जाता है, अगर आप बिल्डिंग का रेंट पे करते हो, बिल्डिंग का रेट्स पे करते हो, रेट्स और टैक्सेस बात एक ही होती है, रिपेयर का खर्चा करते हो, इंश्योरेंस का खर्चा करते हो, तो आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। और आप लोग जानते हैं रेंट की डिडक्शन केवल किसको मिलती है, टेनेंट को मिलती है, बाकी ये सारी डिडक्शन तो दोनों को ही मिलती है। आप लोगों को अगर पता होगा, है ना, पता तो है आप लोगों को। अच्छा मुझे बताओ, ये बिल्डिंग क्या मैं अपने घर के पर्पस के लिए यूज करूंगा? क्या टेनेंट अपने घर के पर्पस के लिए यूज करेगा? एक जनरल एजम्पशन समझ लो, यहाँ पर केवल आप अगर बिजनेस के लिए ये खर्चे कर रहे हो, तभी हम आपको रिडक्शन देंगे, आपके पर्सनल खर्चों की रिडक्शन नहीं मिलती। हाँ, तो देखो क्या कहता है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर फॉर बिल्डिंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, द फॉलोइंग डिडक्शन शैल बी अलाउड। वही बात अंग्रेजी में लिख रहा है जो मैं हिंदी में बता चुका हूँ पीछे, वेयर द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी एज ए टेनेंट। अगर मेरे पास जो बिल्डिंग है वो मैंने किराए पर ली है, तो मुझे दो डिडक्शन मिलेंगी, कौन कौन सी, एक तो रेंट की मिल जाएगी और एक रिपेयर की मिल जाएगी। बात समझ आ रही है, रेंट की मिल गई डिडक्शन और रिपेयर की मिल गई। अभी बढ़ते रहो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं कंपनी का मालिक हूँ या मैं बिल्डिंग का मालिक हूँ, तो मुझे किसकी रिडक्शन मिलेगी, रिपेयर की रिडक्शन मिलेगी। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। यानी कि मैंने भी तो ऐसे ही करा था, मैंने क्या करा था, मैंने रेंट वाला जो पार्ट था, मैंने क्या करा था, मैंने भी तो यही करा था, मैंने जो रेंट वाला पार्ट था वो दोनों के लिए अलग अलग पढ़ा था, टेनेंट के केस में क्या होगा और ओनर के केस में क्या होगा। फिर वो क्या कहता है, ये पहला वाला पार्ट क्या कहता है, पहला वाला पार्ट कहता है कि अगर जो टेनेंट है वो रेंट पे करता है, तो उसे रेंट की डिडक्शन मिल जाती है, अगर वो रिपेयर करवाता है तो उसे रिपेयर की डिडक्शन भी मिल जाती है। फिर मैंने बोला था कि यहाँ पर क्या कहता है वो, रिकरिंग रिपेयर या सिंपल रिपेयर, जबकि यहाँ पर वो क्या कहता है, करंट रिपेयर, इसलिए उन्होंने अलग अलग लिख दिया, नहीं तो वो लिख सकते थे रिपेयर की, तो दोनों की मिलती है। बात समझ आ रही है?
तो इसके लिए वो करंट रिपेयर लिख रहा है और इसके लिए वो रिपेयर लिख रहा है। याद हो रहा है आप लोगों को या नहीं बता देना कमेंट बॉक्स पे। ओके उसके बाद देखो क्या कहता है, उसके बाद वो कहता है हाँ दूसरी मजे वाली बात आप सुनना, ये जो आपका रिपेयर होना चाहिए या जो भी आपका खर्चा हो रहा है बिल्डिंग के रिगार्डिंग, ये आपका रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। रेवेन्यू का मतलब होता है रिकरिंग नेचर का, बात समझ आ रही है? आपका कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं होना चाहिए। कैपिटल नेचर का खर्चा क्या होता है, जो आप 5-6 साल में एक बार करते हैं तो उसकी डिडक्शन आपको ऐसे नहीं मिलती, उसकी डिडक्शन आपको डेप्रिसिएशन के थ्रू मिलती है, डायरेक्ट डिडक्शन नहीं मिलती। बात समझ आ रही है आपको? तो यही कह रहा है कॉस्ट ऑफ रिपेयर यानी कि ये जो है और करंट रिपेयर, ये जो रिपेयर आपने करे ये आपके नहीं होने चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपके कैसे खर्चे होने चाहिए, रेवेन्यू नेचर के खर्चे होने चाहिए। याद करते रहना भाई, अगर अब भी आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि मेरी लिमिट है, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं समझा सकता, काफ़ी आज बहुत जल्दी उठ गया था मैं, ठीक है, मुझे नींद आ रही है अभी, बट वही है कल भी आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करनी है तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। तो देखो फिर वो क्या कहता है, एनी सम एज ए रेट्स और टैक्सेस। अच्छा मुझे बताओ, चाहे रेट और टैक्सेस चाहे दोनों पे कर रहे हैं दोनों को मिलेगी ना डिडक्शन, वही कह रहे हैं एनी सम पेड वेदर एज ए ओनर और ए टेनेंट, चाहे आप किराएदार हो चाहे मालिक हो, अगर आप रेट्स और टैक्सेस पे करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। प्रोवाइडेड शर्त क्या है कि जो वो आप टैक्स जमा करोगे सरकार को वो ड्यू डेट से पहले पहले कर देनी है, ठीक है। ड्यू डेट मतलब सरकार ने डेट फिक्स करी होती है ना किस डेट से पहले हमें टैक्स जमा करो, अगर आप उस डेट के बाद टैक्स जमा कर रहे हो और फिर आप कह रहे हो कि हमें डिडक्शन दे दो, नहीं मिलेगी, आपको ड्यू डेट से पहले पहले टैक्स जमा करना पड़ेगा, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, ठीक है। और वो ड्यू डेट आपको कहाँ डिफाइन है, सेक्शन नंबर 139 सब सेक्शन नंबर 1 में, ठीक है। एनी सम पेड वेदर एज ए टेनेंट और ए ओनर एज इंश्योरेंस प्रीमियम, कोई दिक्कत है क्या, ये बस अंग्रेजी में कन्फ्यूज़ कर रहा है, बाकी बात तो वही है। अब आप बोलोगे मैंने डायरेक्ट सिंपल लैंग्वेज में क्यों नहीं लिख दिया, अगर मैं सिंपल में लिखता ना तो 5 लाइन में चैप्टर ख़त्म कर देता, फिर आप लोग ये बोलते हैं कि कम पढ़ाता है, मैटर कम होता है, अब देख लो इतना सारा मैटर, ठीक है। उसके बाद देखो तो ये क्रक्स तो वही है, एक ही बात है क्रक्स का, क्या क्रक्स है कि जो रेंट है उसकी रिडक्शन केवल किसको मिलेगी, ओनर को मिलेगी। जो ओनर ने अगर रिपेयर करवाया उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रिपेयर, सॉरी टेनेंट ने अगर रिपेयर करवाया उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रिपेयर। ओनर ने अगर रिपेयर करवाया उसको हम क्या बोलते हैं, करंट रिपेयर। अब उसके अलावा जो भी खर्चे बच गए, रेंट टैक्सेस और आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, चाहिए आप एज ए ओनर पे कर रहे हैं चाहे एज ए टेनेंट पे कर रहे हैं, आपको डिडक्शन मिलेगी। हाँ लेकिन जो ये हमने केस पढ़ा था टैक्सेस वाला, ये आपको डिडक्शन तभी मिलेगी अगर आप स्पेसिफाइड डेट से पहले क्या कर देते हैं, ये जमा कर देते हैं, क्या जमा कर देते हैं, टैक्स जमा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ द मशीनरी और प्लांट एंड फर्नीचर। देखो सेक्शन नंबर 30 किसके रिगार्डिंग था, सेक्शन नंबर 30 रिगार्डिंग था आपका बिल्डिंग के, जबकि सेक्शन नंबर 31 किसके रिगार्डिंग है, मशीनरी के, प्लांट एंड फर्नीचर के। तो आप क्या बोलते, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, यहां पर वो क्या कहता था, अगर आप बिल्डिंग का रेंट रेट टैक्सेस रिपेयर इंश्योरेंस करवाते हैं, यहां पर वो क्या कहता है, अगर आप प्लांट एंड मशीनरी का क्या करवाते हैं, रिपेयर एंड इंश्योरेंस, तो आपको क्या मिल जाएगी, रिडक्शन मिल जाएगी। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ऊपर बिल्डिंग के रिगार्डिंग बात कर रहा था, यहां पर मशीनरी एंड प्लांट एंड फर्नीचर के रिगार्डिंग बात करें। अब आप बोलोगे क्या मशीनरी हम रेंट में नहीं खरीद सकते, अगर क्या मैंने मशीन को रेंट में खरीदा है तो क्या मुझे रिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी तो चाहिए। अब कौन आएगा, अगर आपको पता होगा अब कौन आना चाहिए, अब आना चाहिए सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 37 ने क्या बोला, सेक्शन नंबर 37 ने बोला आपने प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर रेंट पे किया है, मैंने बोला हाँ। फिर सेक्शन नंबर 37 ने बोला क्या सेक्शन 31 आपको डिडक्शन नहीं देता रेंट की, मैंने कहा यहाँ पर तो रिपेयर लिखा है, इंश्योरेंस लिखा है, रेंट तो लिखा ही नहीं है, जैसे ऊपर रेंट लिखा है यानी कि डिडक्शन नहीं देता 31 मुझे रेंट की, ठीक है। सेक्शन नंबर 37 ने फिर पूछा क्या आपने ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा किया या कैपिटल नेचर का, मैंने कहा रेवेन्यू नेचर का, इसने बोला चलो ठीक है। क्या आपने बिजनेस से रिगार्डिंग खर्चा किया, मैंने बोला हाँ बिजनेस के रिगार्डिंग खर्चा किया है, उसने बोला ठीक है। क्या आपने प्रीवियस ईयर में खर्चा किया, मैंने बोला हाँ मैंने प्रीवियस ईयर में खर्चा किया, उसने बोला ठीक है। तो उसने क्या बोला, सेक्शन नंबर 37 ने बोला कि अगर आपको सेक्शन नंबर 30 से लेकर के 36 में कोई भी रिडक्शन नहीं मिली और आपने रेवेन्यू नेचर का खर्चा किया है
आपने प्रीवियस ईयर में खर्चा किया है तो आपको हम क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 37। ओ तो सेक्शन नंबर 37 क्या बोलता है? क्या बोला, अपना टाइम आएगा। अच्छा सेक्शन नंबर 37 ये नहीं बोलता, सेक्शन नंबर 37 क्या बोलता है? यहाँ देखो, ये रहा सेक्शन नंबर 37, कहता है सच एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी कवर्ड अंडर स्पेसिफिक सेक्शन 32-36। जो मैं वही कह रहा था, क्या रेंट की डिडक्शन आपने जो प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग रेंट पे किया, क्या उसकी डिडक्शन आपको 30 से लेकर के 36 में कहीं भी गिवन है? नहीं गिवन है। तो वो यही कह रहा है, क्या पहली शर्त यह है कि आपको वो डिडक्शन 30 से लेकर के 36 में ना मिली हो? वो आप जो खर्चा कर रहे हैं, जो वो रेंट वगैरह पे कर रहे हैं, वो आपका कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। केवल रेवेन्यू खर्चों की हम डिडक्शन देते हैं। द एक्सपेंडिचर, आपने वो जो खर्चा किया वो कब किया हो? प्रीवियस ईयर में खर्चा किया हो, वो आपका पर्सनल नेचर का खर्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर द एक्सपेंडिचर शुड हैव बीन इनकर्ड होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो तीन सिंपल से, चार पांच सिंपल सी बात बोली उसने। पहली बात क्या बोली कि जो खर्चा, क्या आपको खर्चे की रिडक्शन 30 से 36 के बीच में नहीं मिली? मैंने बोला नहीं मिली, तो ठीक है। उसने बोला पहली कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर ली। दूसरा वो क्या बोला, क्या आपने कैपिटल नेचर का खर्चा किया है? मैंने बोला ना। तो उसने बोला चलो तुमने दूसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। फिर उसने तीसरी कंडीशन बोली, क्या आपने प्रीवियस ईयर में खर्चा किया? मैंने बोला हाँ। उसने बोला चलो तुमने तीसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। फिर उसने चौथा पॉइंट मुझसे पूछा, कहीं ये खर्चा आपका पर्सनल नेचर का तो नहीं है? कहीं आप घर का किराया तो यहाँ नहीं लिख दे रहे? मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है। फिर उसने लास्ट में क्या बोला कि वो जो खर्चा होना चाहिए वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए और ये आपका पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये तो हम लोग देख चुके थे, हाँ 31 देख रहे थे ना। तो यही कहता है, क्या कहता है कि अगर आपने, अब आपने बोल रहा हूँ तो चाहे आप टेनेंट है चाहे आप ओनर है, अगर आपने क्या करवा रखा है प्लांट एंड मशीनरी का, क्या करवाया है रिपेयर और इंश्योरेंस, तो हम क्या दे देंगे आपको? डिडक्शन दे देंगे। अच्छा अब आप लोग ना कलाकारी मत करना, मतलब अगर सेक्शन नंबर 30 में रेंट रेट टैक्सेस रिपेयर इंश्योरेंस है तो आपको यही लिखना है, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं लिखना। और यहाँ पर अगर केवल दो वर्ड्स हैं तो यहाँ पर केवल दो वर्ड्स ही लिखने हैं, ठीक है। ये मैं सोच ना ऊपर वाली चिपका दें, याद तो है ही ना, ये अलग बात करता है वो अलग बात करता है। तो देखो क्या कहता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द मशीनरी प्लांट फर्नीचर यूज्ड फॉर द बिजनेस द फॉलोइंग डिडक्शंस आर अलाउड। अमाउंट पेड ऑन द करंट रिपेयर, अगर आपने करंट रिपेयर पर खर्चा किया यानी कि रिपेयर पर खर्चा किया, और दूसरा किस में कराओगे यार? इंश्योरेंस पर, तो वही तो कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पर। और ऐसा खर्चा किस नेचर का नहीं होना चाहिए? कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, बस याद रहेगा। अरे बात बड़ी सिंपल है यार। फिर क्या कहता है, वेयर द एसईसी हैज टेकन ए बिल्डिंग ऑन द लीज कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हिम ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफ एन स्ट्रक्चर देन द एसईसी शैल बी एंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएट ऑन सच कैपिटल एक्सपेंडिचर अज्यूमिंग द बिल्डिंग इज ओन्ड बाय द एसईसी। बात बड़ी सिंपल है, समझाऊं आपको? हाँ देखो क्या कहता है, देखो ये रहे आप, यानी कि ये रहा मैं और ये रहे आप। मैं क्या था? बिल्डिंग का मालिक था, और इस बिल्डिंग को मैंने किसको दे दिया था? इसको दे दिया रेंट पर। रेंट बोलूँ या लीज बोलूँ, बात एक ही, लीज पर दे दिया था मैंने, है ना। अब बदले में, अब देखो इसने क्या करा, इसने यहाँ बिजनेस किया, ये बिजनेस करता है। अब हुआ क्या कि एक जो कमरा था ना, वहाँ बाढ़ आई और बाढ़ का पानी घुसा और वो कमरा पूरी तरीके से सड़ गया, बेकार हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये इस कमरे की रिपेयरमेंट करवाएगा, या मैं बोल सकता हूँ बिल्डिंग को क्या करवा रहा है, रिपेयर करवा रहा है। अगर वो कैपिटल नेचर का खर्चा कर देता है, ठीक है, कैपिटल नेचर का खर्चा क्या होता है? कैपिटल नेचर का खर्चा वो होता है ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आपको आने वाले कई सालों तक मिलेगा। रेवेन्यू नेचर का खर्चा क्या होता है? जिसका बेनिफिट आपको इसी साल मिलेगा। जैसे आप रेंट पे करते हैं, क्या आप हर महीने का रेंट अलग अलग, मतलब हर महीने का रेंट आप हर बार पे नहीं करते? हाँ करते तो हैं, यानी कि जो आपने खर्चा किया उसका बेनिफिट आपको इमीडिएट मिल जाता है, उसी साल मिल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू नेचर के खर्चे। और जब आपको उसका बेनिफिट नंबर ऑफ ईयर्स में आगे जा करके मिलेगा तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मुझे बताओ, ये टेनेंट है, ये किराएदार है, इस किराएदार ने यहाँ पर बिल्डिंग को रिपेयर किया, जब इसने बिल्डिंग को रिपेयर किया तो इसका कैपिटल नेचर का खर्चा हो गया, यानी कि इसका जो बेनिफिट मिलेगा इसको एक लंबे समय तक मिलता रहेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या इसको इसकी रिडक्शन मिलनी चाहिए? द आंसर इज नो।
इसको डिडक्शन नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डिडक्शन के लिए जरूरी है कि आपका कैपिटल नेचर का खर्चा हो। लेकिन दूसरी बात सुनो, अब मुझे बताओ इन दोनों में से डेप्रिसिएशन का खर्चा किसको मिलेगा? देखो डेप्रिसिएशन का खर्चा, डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिलती है हमेशा उस पर्सन को जिसकी होती है एसेट। मुझे ये बताओ बिल्डिंग किसकी है? बिल्डिंग तो मेरी है, तो डेप्रिसिएशन का खर्चा किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। अब यहाँ पर ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है, ये पता क्या लिखा है? ये लिखा है कि अगर, अब देखो मेरी ये जो ग्रीन पेन है ये कहाँ कहाँ जाती है, अगर ये जो पर्सन है यानी कि टेनेंट, अगर टेनेंट ने कैपिटल नेचर का खर्चा कर दिया, टेनेंट ने कैपिटल नेचर का खर्चा कर दिया, तो वो इस खर्चे की डिडक्शन तो नहीं ले सकता 30 से लेकर के 37 में कहीं भी। तो क्या होगा? उसको एज ए डेप्रिसिएशन हम ये खर्चा अलाउ करेंगे। अच्छा, आपको मालूम होगा अगर ये बिल्डिंग, अगर ये कोई एसेट है और एसेट के ऊपर जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, एसेट है, एसेट के ऊपर जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, मैं भूल गया मैं बोलना क्या चाह रहा था, नींद आई यार बहुत ज़्यादा। ये जो एसेट, ये जो एसएससी है ना, इसने क्या करा, अच्छा मैं क्या बोल रहा था कि इस डेप्रिसिएशन के खर्चे के लिए इसको क्या मान लिया जाएगा, मालिक मान लिया जाएगा। ठीक है, वही बात लिख रखी है यहाँ पर बोल्ड लेटर पे, क्या क्या लिख रखा है देखो, वेयर द एसएससी हैज टेकन ए बिल्डिंग ऑन द लीज, अगर एक एसएससी ने बिल्डिंग को किराए पर लिया है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हिम ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर, और उसने कैपिटल नेचर का खर्चा कर दिया, ही शैल बी एंटाइटल टू द डेप्रिसिएशन, उसको डेप्रिसिएशन हम अलाउ कर देंगे। वैसे जनरल रूल क्या कहता है, बिल्डिंग के मालिक को डेप्रिसिएशन अलाउड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे टेनेंट ने ही, किराएदार ने ही क्या कर दिया, कैपिटल नेचर का खर्चा कर दिया, तो क्या आप उसे हम डिडक्शन अलाउ ना करें? वो कहते हैं डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे जैसे कि वो क्या है, बिल्डिंग का मालिक है, केवल इस कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, उसके अलावा वो एक्चुअल मालिक तो मैं ही रहूँगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 37 भी आपने देख लिया था। उसके बाद वो कहता है मीनिंग ऑफ रिपेयर, रिपेयर का मतलब क्या होता है? देखो यार सिंपल सी बात है, द टर्म रिपेयर रेफर्स टू रेस्टोरेशन ऑफ एन एसेट टू हिज ओरिजिनल और नॉर्मल कंडीशन बाय इनकरिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर विदाउट इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी बियॉन्ड ओरिजिनल एफिशिएंसी। अच्छा, अगर मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, ये मेरी मशीन है, ये मशीन एक घंटे में इन वन आवर ये 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देती है, 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर देती है, यानी कि ये इसकी क्या है, कैपेसिटी है। क्या है? कैपेसिटी है। कैसी कैपेसिटी है? ओरिजिनल कैपेसिटी। अब समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया, इस मशीन ने अब क्या करा, अब एक घंटे में ये 500 यूनिट बना रही है सिर्फ। अब मैं क्या करूँगा, मैं उसके ऊपर कुछ ऐसा खर्चा कर रहा हूँ जिससे कि ये 500 यूनिट की जगह फिर से 1000 यूनिट बनाने लग जाए, यानी कि जो मैं खर्चा कर रहा हूँ वो मैं ऐसा खर्चा कर रहा हूँ कि ये फिर अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी को क्या कर दे, हासिल कर दे। तो यही कह रहा है, रिपेयर का मतलब रेफर्स टू रेस्टोरेशन ऑफ एन एसेट टू हिज ओरिजिनल और नॉर्मल कंडीशन बाय इनकरिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर विदाउट इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी बियॉन्ड द ओरिजिनल एफिशिएंसी। तो आपको सिंपली क्या बोलना है, जब हम एक मशीन के ऊपर इस तरह का खर्चा करते हैं कि जिससे कि वो अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी तक पहुंच जाए, तो ऐसे खर्चे को हम क्या बोलते हैं, रिपेयर कहते हैं। अगर वो अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी के बियॉन्ड पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, फिर वो रिपेयर नहीं होगा। पहला पॉइंट आपको आया समझ में? सिंपल से क्या बात लिखी है, हिंदी में याद करते जाओ। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखो, रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग इन ऑर्डिनरी पैरलेंस मीन्स, अब वो फिर से, पहले उसने रिपेयर का मतलब बताया, तो यहाँ पर रिपेयर का मतलब बेसिकली उसने प्लांट और मशीनरी के रिगार्डिंग बताया, अब वो रिपेयर का मतलब बता रहा है हमें बिल्डिंग के रिगार्डिंग। दो चीज़ें थे ना आपका, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। वो कहते हैं रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग इन ऑर्डिनरी पैरलेंस मीन्स मेकिंग गुड द वेयर एंड टेयर एंड मे इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ द माइनर नेचर। However, any expenditure incurred in reconstruction of the building shall be outside the purview of the repair. ये भी वही कह रहे हैं कि अगर बिल्डिंग में कुछ टूट फूट हो गई, ठीक है, जैसे दीवार वगैरह झड़ने लग गई है ना आपके, मतलब छोटे मोटे कुछ नुकसान होने लग गया, कुछ टूट फूट होने लगी, वेयर एंड टेयर,
अगर आप केवल उनको ठीक करने के लिए खर्चा करते हो तो क्या होता है, रिपेयर का खर्चा होता है। तो रिपेयर ऑन बिल्डिंग का क्या मतलब है, जब आप बिल्डिंग को, बिल्डिंग में जो वेयर एंड टेयर हो रही है, टूट फूट हो रही है, उस टूट फूट को आप, उस टूट फूट के, उस टूट फूट से बचने के लिए जो आप खर्चा करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। दोनों पॉइंट आए आपके समझ में? अब देखो यार, लिमिटेड टाइम है ना, तो मैं आप लोगों को इसी तरह से बता सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिख करके आएँ। वहाँ पर ना लिखना होता है बेसिकली, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फालतू नहीं लिखना, लेकिन हाँ रेलेवेंट पॉइंट लिख करके आओगे तो कौन काटेगा आपके नंबर। करंट रिपेयर मस्ट नेसेसरी मीन्स रिपेयर विच आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज एंड व्हेन डिफेक्ट अराइजेस। तो देखो, पहले हमने क्या बोला था, रिपेयर बोला था, फिर हमने क्या बोला था, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग बोला था। रिपीट करते करते मैं कह रहा हूँ, रिपीट करते करते सोते जाना ना, ये नहीं करना, रिपीट करते करते याद करते जाना, ठीक है, बैक करते करते याद करते जाना। फिर वो कहता है करंट रिपेयर का क्या मतलब होता है, करंट रिपेयर का मतलब होता है टाइम टू टाइम जब भी कोई डिफेक्ट अराइज होता है तो उस डिफेक्ट को हम क्या करते हैं। वो कहता है करंट रिपेयर मीन्स रिपेयर, ठीक है, करंट रिपेयर का मतलब ऐसा रिपेयर जो हमें क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम करना पड़ता है जब कोई डिफेक्ट अराइज हो जाता है, ठीक है, जब कोई डिफेक्ट आ गया तो हमें क्या करना पड़ रहा है, टाइम टू टाइम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, टाइम टू टाइम, यानी कि मैं बोल सकता हूँ बार बार, हाँ टाइम टू टाइम। दस इसीलिए इफ देयर हैज बीन वेयर एंड टेयर ऑन एन आइटम ऑफ ए नंबर ओवर ए नंबर नंबर ऑफ ईयर अल्टीमेटली इज रिप्लेस्ड देन सच रिप्लेसमेंट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एज ए करंट एसेट। वो वही कह रहा है, अपनी बात कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर आप रेगुलर बेसिस में खर्चा करते हैं तो ठीक है, वो आपका रिपेयर नेचर का खर्चा है, ठीक है, उसकी वो आपका करंट रिपेयर है। लेकिन अगर आप एक लंबे समय के बाद खर्चा करते हैं तो उस खर्चे को हम क्या बोलते हैं, उस खर्चे को हम करंट रिपेयर नहीं बोलते, उस खर्चे को हम क्या बोलने लग जाते हैं, वो आपका कैपिटल नेचर का खर्चा बन जाता है, ठीक है, इतनी बात समझ आई। उसके बाद वो क्या कहता है, द टर्म रिपेयर इंक्लूड रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल इन सर्टेन केसेस, हाउएवर इन सम कोर्ट केसेस द रिपेयर एंड रिन्यूअल हैव हेल्ड एंटायरली डिफरेंट, दस वी कैन से इट इज सब्जेक्ट। तो देखो क्या कहता है इस लास्ट पॉइंट में, वो कहता है कि रिपेयर, अब देखो मैंने बोला था, मैं स्टार्टिंग मैंने ये क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि रिपेयर और रिन्यूअल में यहाँ पर बीच में और आ रहा है, और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो ये या तो ये। अब आप बोलोगे इन सब में डिफरेंस क्या होता है, देखो यार जब कोर्ट के अंदर इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े जजेस खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे, या हर जजमेंट में अलग अलग केस देते रहते हैं, कहीं कई जजमेंट आती है जो कहती है रिपेयर में रिन्यूअल में इन सब में कोई डिफरेंस नहीं है, कई केसेस आते हैं जो कहते हैं नहीं इनमें डिफरेंसेस हैं, यानी कि ये लोग खुद ही कन्फ्यूज्ड हैं। तो वो यही कहता है कि आपको भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना, आप भी सीधा क्या बोल दो कि डिसाइडेड बाय द कोर्ट, जो कि कोर्ट डिसाइड कर ले कि क्या इनके बीच में डिफरेंस है या नहीं है, हम वही मान लेंगे, ठीक है, ठीक है। टग्स ऑफ वार बिटवीन एसएससी एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, देखो क्या कहता है ये, ऑफन अक्सर इट इज सीन, ये देखा गया है दैट वाइल एसएससी क्लेम्स अ पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर रिन्यूअल, जब भी एक एसएससी करंट ईयर यानी कि रेवेन्यू नेचर के खर्चों की डिडक्शन मांगता है, जैसे कि रिपेयर रिन्यूअल एटसेट्रा रेवेन्यू एक्सपेंसेस, वेयर इज द सेम इज डिसअलाउड बाई द एसेसिंग ऑफिसर एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो टक्स ऑफ वार का मतलब क्या होता है, इसको सबसे पहले समझो, टक्स ऑफ वार का क्या मतलब है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको टक्स ऑफ वार, जिसको हम रस्सी खींच कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं टक्स ऑफ वार। तो मान लो ये जो हैं, ये आपके हैं, ये मान लो ये जो है, ये है आपका इनकम टैक्स पे करने वाला बंदा यानी कि एसएससी, और ये है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दो मिनट के लिए मान लो कि बाकी तो है नहीं कोई यहाँ, ये कोई है ही नहीं, ठीक है, बस ये दो बंदे हैं। तो कहता है कि इन दोनों के बीच में ना हमेशा क्या चलता रहता है, झगड़ा चलता रहता है। ये क्या कहता है, कौन क्या कहता है, ये कहता है कि मैंने रेवेन्यू नेचर का खर्चा करा है ना रेंट के रिगार्डिंग, मुझे आप डिडक्शन दो, अभी दो, इस साल दो। जबकि ये कहता है नहीं, ये तो तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसके तो डेप्रिसिएशन के थ्रू डिडक्शन है ना लंबे समय पर। तो हमेशा एक टग ऑफ वार बना होता है, एक क्या कहते हैं उसे, खींचतान की स्टेटस बना होता है, ठीक है, खींचतान की क्या कहते हैं उसे, स्थिति, यस, एक खींचतान की स्थिति बनी होती है दोनों के बीच में। वो कहता है कि यार कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लो, और वो कहता है कि नहीं
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो, वो ऐसे से क्या बोलता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानो, जबकि वो क्या बोलता है रेवेन्यू नहीं, कौन सा मानेंगे हम, तो हम तो मानेंगे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये देखो क्या लिख रखा है, इन प्लेस ऑफ, ये थोड़ी था टक्स ऑफ बार किधर गया, अच्छा ये रहा, हाँ, इफ द एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द ईयर इन विच इट इज इनकर्ड, द एस एस सी इज एबल टू रिड्यूस द इनकम ऑफ द सेम ईयर एंड दिस इज एबल टू मेक सेविंग द पेमेंट ऑफ द इनकम टैक्स फॉर दैट ईयर। सिंपल सी बात वही कह रहा है, मैंने जो 2 लाख लिख दिया था फिर मैंने 1 लाख लिख दिया था तो 1 लाख का आपका टैक्स बच गया, तो वही बात कह रहा है, इफ द एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर खर्चों को इनकम टैक्स जो अच्छा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि असेसिंग ऑफिसर है ना, असेसिंग ऑफिसर यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो वो कहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इफ द एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अलाउ कर देता है कि लो यार ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या हो गया, ये देखो इफ द एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो उससे क्या होगा, एसएससी की इनकम क्या हो जाएगी, एसएससी की इनकम कम हो जाएगी। ये चीज मैंने आपको बताई थी ना, अगर आपको याद हो मैंने इस तरह से बोला था ना, ये रहा यहाँ आपने लिखा 2 लाख की इनकम, इधर लिखा आपने रेंट, ये हो गया आपका 1 लाख, तो ठीक है ये जो नेट आया, नेट कितना आ गया, नेट प्रॉफिट आपका कितना आ गया 1 लाख, तो इससे क्या हुआ 2 लाख वाली जो पहले आपका प्रॉफिट होना था वो क्या हो गया, कम हो गया। जब कम हो गया तो आपने टैक्स प्लानिंग कर ली या नहीं कर ली, कर ली आपने टैक्स प्लानिंग, ठीक है, तो यही कह रहा है कि सेव कर लेगा इस तरीके से वो पेमेंट अपनी, है ना, 1 लाख रुपये से ने सेव कर लिया। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, द एक्सपेंसिस इज नॉट अलाउड एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देन इट विल हैव टू बी कैपिटलाइज्ड एंड द एसएससी शैल हैव टू क्लेम डेप्रिसिएशन एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन सच पेमेंट। अगर उसे एसेसिंग ऑफिसर ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ करता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करता, तो उस केस में उसे डेप्रिसिएशन के थ्रू वो लेनी पड़ेगी डिडक्शन, जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस है। ऑल राइट, ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है यार, बच्चों वाला टॉपिक है। उसके बाद देखो क्या कहता है, वो कहता है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, 2 वर्ड आ रहे हैं यहाँ पर, टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, है ना, टैक्स प्लानिंग और मैनेजमेंट। मैंने बोला था टैक्स प्लानिंग के अंदर ही आता है आपका टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है, लीगल तरीके से अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना। टैक्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, सरकार के जो भी लीगल कंप्लाइंसेस हैं उनको अच्छे से फॉलो करना, कि कब आपको रिटर्न ऑफ इनकम जमा करनी है, सरकार ने जो काम करने के लिए बोला वो काम आप टाइम से कर दो, तो वो होता है आपका टैक्स मैनेजमेंट। ये बातें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले, जो मैंने फर्स्ट वीडियोज डाली हैं अपनी टैक्स प्लानिंग टैक्स इवेजन के रिगार्डिंग, उन सब में, है ना। तो देखो वो क्या कहता है कि टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट करना है, किसके रिगार्डिंग, रिपेयर रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, एज फार एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो सके, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन द रिपेयर रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट शुड बी इनकर्ड इन द ईयर इन विच एसएससी एक्सपेक्टेड टू हैव ए सब्सटेंशियल प्रॉफिट। जिस साल एसएससी को लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, उस साल उसे क्या करना चाहिए, इस तरह के खर्चे करने चाहिए। किस तरह के खर्चे, अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर उसे हो रहा है 50 लाख का, उसको लगता है कि 50 लाख की इनकम उसकी हो जाएगी, ठीक है, तो इस बार वो क्या कर दे, बिल्डिंग वगैरह में रिपेयरमेंट करवा दे, रिपेयर करवा दे, ठीक है, बिल्डिंग में मान लो रिपेयर करवा दो 25 लाख की, क्या दिक्कत है 25 लाख की, अब क्या हो जाएगा उसका, ये जो 50 लाख का प्रॉफिट है ये कम हो जाएगा। बात समझ आ रही, तो कहते हैं जनरली जब आपको लगता है, क्या लगता है कि आपको जो ह्यूज प्रॉफिट, जो आपको प्रॉफिट होने वाला है वो ह्यूज प्रॉफिट होने वाला है, तो उस साल आपको क्या करने चाहिए, हैवी एक्सपेंडिचर इनकर्ड करने चाहिए, उसी साल आपको रिपेयर वगैरह में खर्चा करना चाहिए। क्यों, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको जो 50 लाख है ये आपका कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 25 लाख से। बात समझ आ गई। दूसरा, जब आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, आप उस प्रॉफिट में से खर्चा करते हो, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता। आपकी जेब में 10 रुपये तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा मैं कहाँ खर्चा करूँ, आपके पास 10,000 रुपये तो आपको थोड़ा कम सोचना पड़ेगा मैं कहाँ खर्चा करूँ। बात समझ आ रही है। तो उसी तरीके से वो कहते हैं जब आपके पास ह्यूज प्रॉफिट है तभी आप क्या करा करो, जनरली खर्चे क्या करो, रेंट इसके रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, रिपेयर रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इन प्लेस ऑफ रिप्लेसिंग द एसेट इन एंटायरली इट इज एडवाइज्ड दैट पार्ट और पार्ट्स ऑफ द एसेट शुड बी रिप्लेस्ड। तो इसका मतलब क्या है, वो कहता है कि देखो
क्या देखो? वो कहता है कि देखो ये रही आपके पास पुरानी एसेट और आपने क्या करा, इस एसेट को बेच दिया और नई एसेट लेकर के आ गए। और आप कहते हैं कि नहीं, ये वाली जो मशीन थी ना, ये वाली अब काम ठीक से नहीं कर रही थी, तो जितना खर्चा हम इसमें करते उतने की हम नई मशीन लिया है। ओहो, तो वो यही कहता है कि इन प्लेस ऑफ रिप्लेसिंग, रिप्लेस करने से बेटर था कि आप क्या कर लेते, कि आप इट इज एडवाइज्ड दैट पार्ट और पार्ट्स ऑफ द एसेट शुड बी रिप्लेस्ड। पूरी मशीन को रिप्लेस करने से बेटर क्या था कि उसके जिस पार्ट में कमी थी वो रिप्लेस कर लेते। अब आपने क्योंकि पूरी मशीन को रिप्लेस कर दिया ना, तो आपका ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप पार्ट पार्ट रिप्लेस कर दो तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता और आपको हर साल उसकी रिडक्शन मिलती रहती जिस साल भी आप जितना खर्चा करते इस तरह का, ठीक है। तो यही कह रहा है कि बजाय कि आप एक ही बारी में पूरी एसेट को रिप्लेस कर दें, आप उसके पार्ट्स को रिप्लेस करते रहो, जिस पार्ट में दिक्कत हो उसको रिप्लेस करो। पहला, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? तीसरा पॉइंट देखो, एसएससी शुड मेंटेन, एक जो एसएससी है, अब एसएससी मालूम है ना कौन है, जो एसएससी मींस अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। एसएससी एक वो पर्सन है जिसको टैक्स पे करना होता है। एसएससी शुड मेंटेन फुल डिटेल्स ऑफ हैवी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द रिपेयर एंड फर्निश द सेम टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन डिमांड। अब देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि तुमने रिपेयर वगैरह करवाया, तो इसने बोला हाँ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला कि जरा सबूत दिखाओ। तो इसलिए वो क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये तीसरा वाला पॉइंट कह रहा है कि जितने भी आपने खर्चे करे उनको, उनकी डिटेल को आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, जिससे कि जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांगे तो आप उनको दे दो। बात समझ आ गई? इतनी बात आप लोगों को समझ आई या नहीं? इस वाले पॉइंट को दो मिनट के लिए छोड़ दो। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आई? यस, ठीक है। अब देखो, उसके बाद आता है आपके पास इंटर कॉरपोरेट डिविडेंड। तो व्हाट इज इंटर कॉरपोरेट डिविडेंड? अगर आपने मेरी डिविडेंड वाली वीडियो देखी है ना, इसको समझने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बड़ा सिंपल है। और मैं चाहता हूँ कि डिविडेंड वाली वीडियो देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में, इस वाले टॉपिक में आपको कुछ समझाऊंगा नहीं, कुछ है ही नहीं समझाने लायक, सब तो समझा चुका हूँ। तो देखो, इंटर कॉरपोरेट का क्या मतलब होता है, इंटर कॉरपोरेट डिविडेंड का क्या मतलब होता है? ये एक कंपनी है, ये कंपनी है और ये कंपनी है। ए कंपनी ने बी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं। ए कंपनी के पास किसके शेयर्स हैं? बी कंपनी के शेयर्स, ठीक है। तो बी कंपनी ए कंपनी को क्या देती होगी? डिविडेंड देती होगी। इसे हम कहते हैं इंटर कॉरपोरेट डिविडेंड। जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को डिविडेंड देती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंटर कॉरपोरेट डिविडेंड, ठीक है ना। तो इंटर कॉरपोरेट डिविडेंड के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है वो हमें पढ़ने हैं। कहते हैं सेक्शन 186 कंपनीज एक्ट 2013। क्या कहते हैं सेक्शन 186 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013? अ कंपनी कैन एक्वायर द शेयर और सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर कंपनी अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर खरीद सकती है, लेकिन एक स्पेसिफाइड लिमिट तक, उस लिमिट से ज़्यादा नहीं। अब ये लिमिट हमने क्यों रखी वो छोड़ो, इतनी बात तो समझ आ गई ना आपको। 186 क्या कहता है 2013 का, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 186 कहता है कि अ कंपनी कैन एक्वायर, एक कंपनी दूसरे कंपनी में शेयर्स एक्वायर कर सकती है एक स्पेसिफाइड लिमिट तक। दस, इसका मतलब ए लिमिटेड कैन परचेज शेयर ऑफ द बी लिमिटेड, ए लिमिटेड बी लिमिटेड के शेयर खरीद सकता है, कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, जब शेयर खरीद रहे तो शेयर खरीदने के बदले क्या मिलेगा? डिविडेंड। तो वही लिख रहा है, व्हेन अ कंपनी रिसीव्स अ डिविडेंड फ्रॉम अनदर कंपनी इट इज कॉल्ड इंटर कॉरपोरेट डिविडेंड। अब कोई दिक्कत भी आपको, अब कोई दिक्कत भी, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने में कोई दिक्कत होगी? तो वो यही कह रहा है कि जब एक कंपनी को दूसरी कंपनी से डिविडेंड मिल जाता है तो इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, इंटर कॉरपोरेट डिविडेंड। उसके बाद देखो, मीनिंग ऑफ डिविडेंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तीन तरह के डिविडेंड होते हैं, ये सारी बातें मैंने बताई हैं। फाइनल डिविडेंड होता है, इंटरिम डिविडेंड होता है, डीम डिविडेंड होता है। कंपनी की एजीएम जब होती है, एजीएम में जो डिविडेंड दिया जाता है कंपनी के द्वारा उसको हम कहते हैं फाइनल डिविडेंड। और एजीएम साल में एक बार होती है, तो अगले साल में अगली एजीएम होगी। इसके बीच में अगर कंपनी डिविडेंड दे देती है तो उसको हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। और इसके अलावा अगर कंपनी किसी चोरी करने के उद्देश्य से डिविडेंड देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीम्ड डिविडेंड, जो कि सेक्शन नंबर 222A से लेकर के सेक्शन नंबर 222E तक गिवन है। ये सारी बातें मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। उसके बाद देखो क्या कहता है,
एग्जांपल देखो, इफ ए लिमिटेड परचेज शेयर ऑफ बी लिमिटेड, ए लिमिटेड के पास किसके शेयर्स हैं, ए लिमिटेड के पास शेयर्स हैं बी लिमिटेड के, ठीक है, ए लिमिटेड के पास किसके शेयर्स हैं बी लिमिटेड के, देन इट इज बट नेचुरल दैट ए लिमिटेड शेल ऑल्सो रिसीव डिविडेंड फ्रॉम बी लिमिटेड। वो कहते हैं ये नेचुरल सी बात है, जब ए के पास बी के शेयर हैं तो ए को क्या मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा बी से, नो डाउट सब्जेक्ट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ बी लिमिटेड। और अगर आपको पता होगा मैंने बोला था कि अगर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है तो उससे पहले उसे क्या करना पड़ता है, 115 ओ के अकॉर्डिंग क्या देना पड़ता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता है। इसलिए वो क्या हो जाता है, शेयर होल्डर के हाथ में जा करके क्या हो जाता है, एग्जम्प्ट हो जाता है। एक्चुअल में एग्जम्प्ट नहीं हुआ, उसके ऊपर जो टैक्स शेयर होल्डर ने गवर्नमेंट को जमा करना था अब वो शेयर होल्डर ने करता, गवर्नमेंट ने सीधा कंपनी को बोल दिया कि आप जब डिविडेंड बांटते हो ना तो डिविडेंड इनको टैक्स काट करके देना, ठीक है ना, टैक्स काट करके देना। तो वही बात वो कह रहा है, सच वो यही बात कह रहा है, सब्जेक्ट टू द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है ना, सच डिविडेंड रिसीव्ड रिसीवेबल बाय ए लिमिटेड इज कॉल्ड द इंटरकॉर्पोरेट डिविडेंड। वही बात चल रही है, एग्जाम्पल कुछ दिक्कत ही नहीं है यार, कुछ बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। तो वही कह रहा है, सच डिविडेंड रिसीव्ड रिसीवेबल बाय ए लिमिटेड इज कॉल्ड द इंटरकॉर्पोरेट डिविडेंड, है ना, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि ट्रीटमेंट कैसे करें हम, देखो बस इतना सा टॉपिक है, ट्रीटमेंट कैसे करें इंटरकॉर्पोरेट डिविडेंड की। तो दो केसेस हमें पढ़ने, केस नंबर वन और केस नंबर टू, ठीक है, पढ़ क्या रहे हम, ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरकॉर्पोरेट डिविडेंड। तो केस नंबर वन क्या कहता है, इफ डिविडेंड इज रिसीव्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है, और इफ डिविडेंड इज रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन कंपनी। दो केसेस आपको समझ आए, कॉर्पोरेट डिविडेंड की ट्रीटमेंट हमें दो केस में समझनी है। अगर आपको डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से मिल रहा है, अब यहाँ पर आपका मतलब क्या होगा, आपका मतलब कोई दूसरी कंपनी, यहाँ पर हम आपका मतलब ये थोड़ी बोलेंगे शेयर होल्डर, मतलब इंडिविजुअल, ठीक है, तो आपका मतलब यानी कि दूसरी कंपनी। तो वो कह रहा है इफ डिविडेंड इज रिसीव्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनी, इसका मतलब ये देखो क्या कह रहा है, ये आपकी इंडिया की कंपनी है रिलायंस कंपनी, तो डोमेस्टिक कंपनी है, और यहाँ पर भी एक दूसरी कंपनी है, मान लो टाटा, टाटा ने रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं, तो रिलायंस टाटा को क्या देगी, डिविडेंड भी देगी। तो यही है आपका इफ डिविडेंड इज रिसीव्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक कंपनी, अगर आपको घरेलू कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो क्या होगा, एनी डिविडेंड अगर आपको मालूम होगा तो डिविडेंड ऑफ डोमेस्टिक कंपनी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है, अगर आपको मालूम होगा तो ये देख लो, एनी डिविडेंड रिसीव्ड और रिसीवेबल फुली एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। जैसे यहाँ पर मैंने बोला था ना शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, तो मुझे बताओ यार जो कंपनी के शेयर खरीद लेगा वो कंपनी का क्या हो जाता है, शेयर होल्डर हो जाता है। तो ये जो कंपनी है टाटा जो कंपनी है, ये कंपनी क्या हो जाएगी, ये कंपनी शेयर होल्डर मान ली जाएगी रिलायंस कंपनी की। तो वही कह रहे हैं कि शेयर होल्डर के हाथ में क्या होता है, ऐसा डिविडेंड एग्जम्प्ट होता है, एज सच द रेसिपिएंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द डिविडेंड इन हिज टोटल इनकम। और जो चीज़ एग्जम्प्ट होती है क्या आप उसे अपनी टोटल इनकम में लिखोगे, ये चीज़ मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को समझना। एक होता है डिडक्शन और एक होता है आपका एग्जम्प्शन। देखो जब भी डिडक्शन की बात चलती है ना, अब इसको समझो, इनकम फ्रॉम सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीपीपी कैपिटल गेन अदर सोर्सेस, यहाँ पर आप क्या लिखते हो, टोटल इनकम लिखते हो, टोटल इनकम में से सॉरी ग्रॉस टोटल इनकम लिखते हो, माइनस क्या करते हो तो डिडक्शन, तो ये डिडक्शन आप क्या करते हो माइनस करते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ आपने ऊपर लिखी थी उसी का आप कुछ हिस्सा आप क्या कर दे रहे हो यहाँ पर माइनस कर देते हो, इसको हम कहते हैं डिडक्शन। जबकि एग्जम्प्शन में क्या होता है, मान लो आपको 10,000 की एग्जम्प्शन मिली है, एग्जम्प्शन आपका टोटल इनकम का पार्ट बनता ही नहीं है, एग्जम्प्शन वाला अमाउंट यहाँ पर लिखा ही नहीं जाएगा, 10,000 यहाँ लिखा ही नहीं जाएगा। जबकि डिडक्शन जिस चीज़ की आपको मिलती है, पहले आप वो ऊपर अमाउंट लिखते हैं, फिर उसमें से आपको जितनी डिडक्शन मिली उसको आप माइनस कर देते हैं। तो यही बात कह रहे हैं, एज सच द रेसिपिएंट कंपनी, रेसिपिएंट कंपनी यानी कि जिस कंपनी को क्या मिला है, जिस कंपनी को डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड मिला है, एज सच द रेसिपिएंट कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड सच डिविडेंड इन हिज टोटल इनकम, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा, रिलायंस कंपनी आपकी क्या है, डोमेस्टिक कंपनी है, और मान लो कि जो बाहर की कंपनी है, मान लो अलीबाबा है, अलीबाबा ने रिलायंस के शेयर खरीदे हैं, तो अलीबाबा भी शेयर होल्डर है, और टाटा जो कि इंडिया की कंपनी वो भी शेयर होल्डर है। यहाँ पर हम जो डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहे हैं ना, वो कौन होनी चाहिए आपकी, जो कंपनी डिविडेंड दे रही है, बाकी जो कंपनी डिविडेंड ले रही है वो जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक या फॉरन हो, समझ आ रही है बात आपको।
The exemption of the above dividend is enjoyed by the recipient company. इसलिए हम recipient company कह रहे हैं. Recipient मतलब जिसको receive हो रहा है dividend. Because the application of the 115 तो ये कह रहा है कि exemption हो जाता है. ठीक है, 115 के कारण कोई दिक्कत ही क्या. उसके बाद देखो, treatment of the dividend covered under section number 222E. अगर आपको पता होगा 222E में मैंने क्या बोला था, 222E आपका deemed dividend के regarding बात करता है. अगर एक company किसी चोरी करने के तरीके से अपने शेयर होल्डर को क्या दे देती है, डिविडेंड दे देती है, लोन वगैरह दे देती है, तो वो कहाँ का पड़ता है, 222E में. 222E में. और 222E आपका किसकी बात करता है, डीम्ड डिविडेंड. और अगर आपको पता होगा 222A से लेकर के 222D तक सब में कौन टैक्स देता था, कंपनी. लेकिन 222E में कौन टैक्स देता था, शेयर होल्डर. या मैं कह सकता हूँ 222E में कौन टैक्स देता है, रेसिपिएंट, जिसको इनकम रिसीव हो रही है. तो वो यही बात कह रहे हैं, इफ द रेसिपिएंट कंपनी रिसीव्स डिविडेंड अंडर नेचर ऑफ रेफर्ड टू सेक्शन नंबर 222E, देन इट शैल नॉट बी एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द इट शैल नॉट बी. वही बात कर रहा है ना. अगर यार 222E में आपको जब वो मिल गया, क्या मिल गया, डिविडेंड मिल गया, तो क्या वो एग्जम्प्ट हो जाएगा ना, एग्जम्प्ट तो नहीं होगा. क्यों, क्योंकि उस केस में तो शेयर होल्डर ही टैक्स देता है. ठीक है, सच डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड शैल बी ट्रीटेड एज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ द रेसिपिएंट कंपनी. यानी कि अब उसकी इनकम मान ली जाएगी, इनकम के ऊपर वो टैक्स देगा. केस नंबर टू, इफ डिविडेंड इज रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी, अगर सॉरी नॉन डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी. अगर आपको फॉरेन कंपनी से क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है. एनी डिविडेंड विच इज पेड बाई नॉन डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी शैल बी फुली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट. सच इनकम शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. तो वही है, जिसको भी फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो वो रेसिपिएंट के हैंड में फुली टैक्सेबल होता है और उसकी वो अदर सोर्सेज की इनकम में इंक्लूड हो जाएगी. ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.